दिया है। अनूपशहर कोतवाली के पगौना गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर मंदिर में दो साधुओं की नृशंस हत्या कर दी गई है। सोते समय मंदिर परिसर के अंदर कहा जा रहा है कि साधुओं को मौत की घाट उतारा गया, धारदार हथियार से हमला करके साधुओं की हत्या की गई। सर ये सुनते हैं ये गांव पगौना में जो साधुओं की हत्या का क्या मामला है? सर ये सुनते हैं कि किसी नशेड़ी ने या नशेड़ी है वैसे हमारे गांव का एक उसी पर शक जाहिर करा जा रहा है, बाकी इनकी धारदार हथियार से दो साधुओं की हत्या मंदिर पर कर दी गई है रात। ये साधु कब से रह रहे हैं, के साधु हैं? ये जागिनदास नाम के साधु हैं जो भदेसी से आए थे करीब 15 साल पहले, और एक सेवादास हैं जो गांव कनौरा के रहने वाले हैं, वो करीब 5-6 साल से यहां पर रहते हैं। तो इस मंदिर की सेवा पूजा करते हैं साधु? हाँ, इस मंदिर की सेवा पूजा करते हैं और भगवाना से पास में दुगरी से आस पड़ोस के गाँव से भिक्षा वृत्ति करके अपना जीवन यापन करते हैं। गांव में आज एक दुखद घटना हुई है। दो बाबा एक शिव मंदिर पे जगदीश उर्फ गंगीदास और शेर सिंह नाम के थे, जिनमें बड़े बाबा की उम्र लगभग 55 साल और छोटे बाबा की उम्र 45 साल के आसपास थी। उसी गांव का एक रेडी व्यक्ति बुराड़ी उर्फ राजू जिसका नाम है, जो अनुसूचित जाति का है, और 2 दिन पहले बाबा का चिमटा इसने गायब कर दिया था। इस बात को लेकर उसे थपराया था। आज भांग के नशे में रात को किसी समय जा करके तलवार ले द्वारा इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। सुबह लोगों ने गांव के लोगों ने इस व्यक्ति को तलवार लेकर जाते हुए देखा था। गांव के लोग उसकी तलाश में लगे हुए थे। लगभग घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूसरे गांव में नशे की हालत में और न्यूनतम वस्त्रों में बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभी बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। मौके पर मैं पहुँच रहा हूँ। कानून व्यवस्था की समस्या फिलहाल नहीं है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो प्राथमिक छानबीन से पता चला है वो यही है कि ये मंदिर पर इसके द्वारा 2 दिन पहले बाबा का चिमटा गायब किया गया था, जिसको लेकर बाबा लोगों ने इसे डांटा था और अपशब्द कहे थे। संभवतः उसी कारण और तनाव में आकर के अर्धविक्षिप्तता की स्थिति में इसके द्वारा एक घटना कारित की गई है। फिलहाल अभी कब्जे में है और अभी नशे में है, पूछताछ का प्रयास किया जा रहा है।